बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही यम्मी किस्म के चिकन शाशले की रेसिपी लेकर आई हूँ और बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आता है, तो इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक शेयर करिएगा। चिकन इसमें जाएगा 750 ग्राम। 750 ग्राम हमारा 1 kg से थोड़ा कम होता है। ये बोनलेस चिकन है, इसको मैंने क्यूब कट किया हुआ है। कैप्सिकम भी मेरे पास 3 थी, इनके मैंने सीड्स निकाल के इनको स्क्वेयर कट कर लिया है। टोमेटोज भी 3 लेके इनको भी सीड्स निकाले हैं, क्यूब्स कट किया है इसको भी। और अनियन भी 3 लेके इसको भी मैंने क्यूब में काट लिया है। इसके अलावा इसमें चिली गार्लिक केचप जाएगी 1 कप, टोमेटो केचप जाएगी 1 कप, और हमारा ग्रीन अनियन जाएगा 2 टेबल स्पून, ये ऊपर से गार्निश के लिए। गार्लिक में इसमें चॉप डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून है। इसका बड़ा यमी फ्लेवर इसमें आता है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो आप चॉप भी डालिएगा। और जिंजर मैं इसमें ऐड नहीं करती क्योंकि मुझे चाइनीज़ ग्रेवीज़ में ना जिंजर का फ्लेवर पसंद नहीं है। इनकेस आपको पसंद है तो 1 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो सॉसेस इसमें जाएंगी वो मैं इसमें आपको ना अलग अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि सॉसेस की क्वांटिटी क्या जानी है। अभी मैं सिर्फ आपको वैसे बताती हूँ कि इसमें विनीगर जाएगा, सोया सॉस जाएगी, हॉट सॉस जाएगी और चिली सॉस जाएगी। मैं इसलिए नहीं क्वांटिटी मेंशन कर रही क्योंकि ये चीज़ें मैरिनेशन में भी जानी है और बीच में ग्रेवी में भी जानी है। डालते हुए भी बताती जाऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट में ये होगी मेंशन ना, तो आप केयरफ्री होके बिल्कुल आराम से इजी होके वीडियो को एंजॉय करें। इसके अलावा इसमें जो ड्राई हर्ब्स जाएंगी वो इसमें, ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर मैरिनेशन में भी जाएगा और ग्रेवी को भी थिकन करने के लिए जाएगा मैरिनेशन में। इसके अलावा हमारी शुगर जाएगी, ब्लैक पेपर जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा और सॉल्ट जाएगा। इसके अलावा ग्रेवी में हमारी शुगर जाएगी और चिकन पाउडर जाएगा, और ग्रेवी में ही चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और सॉल्ट चाहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें शौचलिक में आप सबसे पहले बता क्या करें, इसकी सॉस रेडी कर लें। और आपकी शौचलिक की चीज़ें यहाँ रेडी हैं तो फिर तो इसको बनाना कोई काम ही नहीं है। ये मैंने टोमेटो केचप डाल ली है 1 कप इसमें, ठीक है। मैं सब चीज़ों को अच्छे से इसके अंदर शामिल कर लूँगी। टोमेटो केचप चली गई और हमारी चिली गार्लिक केचप भी 1 कप चली गई। आपने अगर ये चाइनीज़ में बेसिक ये चीज़ें रेडी कर ली है ना, तो फिर विद इन नो टाइम आपका चाइनीज़ रेडी हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दूंगी, हमारी 4 टेबल स्पून। अच्छा, चाइनीज़ में थोड़ा सा फिर आप मेयरिंग का ख्याल कर लें क्योंकि ऑब्वियसली सॉसेस वगैरह जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर सॉसेस चली गई तो फिर टेस्ट ख़राब हो सकता है या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का टेस्ट इन्हेंस हो सकता है और बाकियों का कम आएगा। लेकिन ये इतना जिन लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है ना बना बना के, वो ज़बरदस्त किस्म का वैसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब हॉट सॉस इसमें मेरी 1 टेबल स्पून चली गई, ये देखिए मैंने हॉट सॉस डाल दिए। और इसके बाद अब मैं चिली सॉस ऐड कर दूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। और अब मैं इसके अंदर विनीगर ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून। ये देखिए, ये हमारी यम्मी किस्म की बहुत सॉस रेडी हो रही है। हॉट सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिकन पाउडर और शुगर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चली गई इसके अंदर। चिकन पाउडर हमारा गया है इसके अंदर 1 टेबल स्पून और शुगर भी 1 टेबल स्पून गई है, ठीक है। और साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ये देखिए 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है और चिली फ्लेक्स हमारे 1 टीस्पून है, ये मैंने ऐड कर दिया सब कुछ। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मेरी सॉस रेडी हो गई है, इसको मैं साइड पर कर लूँगी। इसके बाद मैं अपना चिकन मैरिनेट करूँगी और फिर बस असेंबलिंग है। तो विद इन मिनट्स आपका चाइनीज़ रेडी हो जाएगा जब आपकी चीज़ें रेडी हैं तो। और अब मैंने ग्रेवी रेडी कर ली है तो उसके बाद मैं चिकन की मैरिनेशन करने लगी हूँ। चिकन की मैरिनेशन में ये मैं आपके सामने सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ। इसमें ब्लैक पेपर जा रही है 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून और शुगर 1 टीस्पून। ये सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर डाल दिया। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, मैं चेक कर लूँगी। हमें ना ज़रा इसको वाइट करना है थोड़ा सा ताकि इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग इसकी हो, ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने अब चिकन को देखिए आपके सामने मिक्स कर ली है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, किसी भी चीज़ की मैरिनेशन आप जब करें ना उसमें आप तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल ज़रूर डाल दें, उससे मैरिनेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोट होती है। और अब मैं इसके अंदर विनीगर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून हमारा विनीगर जो इसके अंदर डालना है वो ऐड कर दिया मैंने। और साथ ही मैं इसमें अब सोया सॉस ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और ये हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है।
ठीक है। इसको अब मैं तकरीबन, अगर आप रखना चाहें तो इसको आप रख लें तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, और चाहें तो साथ ही हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सूरतों में इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी रेडी होगी। अभी तो मैं इसको तकरीबन 10-15 मिनट का रेस्ट दूंगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी हम ग्रेवी के स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने उसको 15-20 मिनट चिकन को रख लिया था। मैंने ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल जाता है ना, तो 2 टेबल स्पून ऑयल लेके तो मैंने इसको ना हीट कर लिया है। और मैं अब चूल्हा फ्लेम स्लो कर रही हूँ, और मैं ये इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक आपके सामने ऐड कर रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारी इंशाल्लाह, ये देखिएगा विद इन सेकेंड्स ग्रेवी रेडी हो जाएगी। बस ये गार्लिक को हमने हल्का सा सौते करना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं आपने गार्लिक को पकाना, हल्का सा सौते, जैसे ही आपका गार्लिक हो जाएगा गोल की तरफ ना जाए। तो ये जो मेरा मैरिनेटेड चिकन था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए चिकन मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया, अच्छे से इसके अंदर जितने जूसेस हैं ये सब आपने डाल देने, बिल्कुल भी कोई चीज़ लेफ्ट ओवर नहीं रखनी, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा सी बात है स्पाइसेस गए हुए हैं, टेस्ट आएगा इससे। अब आपने करना है हाई फ्लेम पे कुक, हाई फ्लेम पे हमने अपने चिकन को कुक कर लेना है 4-5 मिनट्स। ये अब हाई फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। चाइनीज़ की जितनी कुकिंग है वो हाई फ्लेम पे होती है, लो फ्लेम पे कुकिंग नहीं होती चाइनीज़ बेबीज की। उनका मज़ा ही तब आता है जब हम इसको ऐसे हाई फ्लेम पे कुक करते हैं। और चिकन तो आपको पता है विद इन सेकेंड टेंडर हो जाता है, कोई इतना लंबा चौड़ा तो इसको करना नहीं पड़ता। बस इसको हम 4-5 मिनट का टाइम दे सकते हैं, वाइट हो जाएगा बिल्कुल हमारा, और उसी दौरान इंशाल्लाह ये टेंडर भी होता है। और ये देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का कुक हो रहा है, कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आ गई है, बिल्कुल वाइट प्रॉपर हो गया। अभी ये मतलब तकरीबन हाफ डन हो गया, और अब इस सिचुएशन में मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर दूँगी, और इसके बाद मैं इसमें अनियन ऐड कर दूँगी। टोमेटो मैं अभी ऐड नहीं कर रही, तकरीबन 1-2 मिनट मैं इन दोनों चीज़ों को पकाऊँगी, उसके बाद टोमेटो ऐड करूँगी। और ये 3-4 मिनट हो गए हैं इसको पकते, तो ये मैंने इसमें टमाटोज भी ऐड कर दिए। अच्छा, अगर आपने गेस्ट के लिए बनाना होगा ना तो टमाटर बिल्कुल आप सर्विंग के टाइम ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि फिर ये ना जल्दी जल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल ना लूज से क्रंची नहीं रहते। वेजीज क्रंची चाइनीज़ में होंगी तो ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ग्रेवी रेडी होगी। तो इसलिए अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे हैं ना तो टमाटर आप इसमें मत ऐड करिएगा, एंड पे ऐड कर दें, इनको इतना कुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चिकन को करके रख लें, और जब आपके गेस्ट आए उस टाइम वेजीज डालें, और उसी टाइम आप अपनी सॉस डालें। अब ये जो सॉस मैंने आपके सामने मिक्स की थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वाटर भी ऐड किया, और अभी इसके अंदर मज़ीद वाटर जाएगा। और एक अंदाज़े के मुताबिक जितनी आपकी सॉस है ना तकरीबन उतना ही वाटर आपने डालना है, मतलब एक रफ एस्टिमेशन मैं आपको दे रही हूँ कि जितनी जिस बाउल से आपने सॉस मिक्स करके डाली है ना उसी बाउल से आप वाटर डाल दें, उतना ही वाटर आएगा, उतनी इसमें सॉस बनेगी। ये देखिए कितना यम्मी किस्म का हमारा सॉस लेक रेडी हो गया। बस इसको अब हमें थोड़ी देर और पकाना है। अगर आपकी ग्रेवी प्रॉपर हो जाती है थिकन तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं वाटर में डाल के थिक करने के लिए। मुझे यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी और देखूंगी कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स करके डाल दूंगी, नहीं तो ये ऐसे ही रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको 2-3 मिनट पकाऊंगी, लेकिन हाई फ्लेम पर। अब ये मेरा मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक हो रहा है, तो मैं इसमें अब इस पॉइंट पर ना तकरीबन 1 टीस्पून पेपरिका डाल दूंगी। ठीक है, अब आपने इसके अंदर डालना है पेपरिका तकरीबन 1 टीस्पून। और ये अब बिल्कुल माशाल्लाह हमारा यम्मी सा शॉशलिक जो हो गया ना रेडी हो गया। आप अगर इसको वेजिटेबल्स को वेल डन करना चाहते हैं तो वो टोटल आपकी चॉइस पे है, लेकिन रेस्टोरेंट में जब हम खाते हैं ना तो ये जो हमें वेजिटेबल्स हैं वो क्रंची सर्व होती हैं, असल लुक यही है शॉशलिक की ना, आपने इसको क्रंची रखना है वेजीज को तभी इसका मज़ा आएगा। लेकिन आपको अपनी फैमिली की चॉइस को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए, इन केस वो लोग नहीं खाते हाफ डन वेजीज या क्रंची वेजीज तो फिर आप इसको फुल डन कर लें, इसको फिर आप ढक के 4-5 मिनट पका दें तो ये बिल्कुल अपना कलर लूज़ कर लेंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी।
तो ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल डन हो चुकी हैं। मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और ये मैंने डिश आउट कर दिया आपके सामने। हम इसे चाइनीज राइस, चिकन चाइनीज राइस के साथ इंजॉय करने वाले हैं। इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, ठीक है? तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब ये मैं इसको ऊपर से, ये देखिए, ग्रीन अनियन से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है, राइस को भी और शॉशलिक को भी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।